हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैगिज व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारे एक पहचान के लोग हैं और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पीछे उनका घर है और इनके घर के बाजू में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पान जो हम खाते हैं वो है ये। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जो वेल देख रहे हैं वो वेल पान के दुकान में मिलने वाले पान का है। और दोस्तों, ये पान का इतना बड़ा वेल होता है वो तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते कितना ऑसम थिंग है यार। हे, कुठला झाड है? फिग है ना ये? तो दोस्तों, इनके घर के पीछे ही इन्होंने एक करेले की बाग लगाई हुई है और इनके करेले की बाग लगाने के बाद जो जगह बची है उन्होंने वहाँ पे कुछ आम के पेड़, कुछ चीकू के पेड़ और कुछ अमरूद के पेड़ लगाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मिलाऊंगा जिनकी खेती है वो हमारे स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स हैं। तो आइए हम ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इनसे मिलिए, ये है जिनका प्लॉट है ये। तो इनका नाम है, आपने नाम क्या है? शिवाजी धनवड़े। तो ये जो प्लॉट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये शिवाजी धनवड़े जी का प्लॉट है, पूरा करेले का आधा एकड़। हाँ, 30 घंटे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी, हाँ तो अभी तो ये ख़त्म होने को आया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खेती करेले की खेती है। अभी थोड़ा ख़राब भी हो चुका है यहाँ पे। हाँ साहब, तर हे किती एकरामध्ये शेती आहे? शेती तर दीड एकर आहे। दीड एकर शेतीमध्ये महा जे ये जो करेला लगाय हो, किती कितने एकर में, किती एकर मध्ये? 30 गुंठा। 30 गुंठ्यामध्ये करेला, मग ते किती उत्पन्न येते याच्यामध्ये आणि किती वेळ लागतो? अच्छा, म्हणजे डिपेंड राहतं। तरी पण या याच्यामध्ये किती आलं असेल तुमचं उत्पन्न, म्हणजे किती प्रॉफिट झालं असेल? मुलग्यांना त्यालाच माहिती। अच्छा, असं आहे काय? हाँ 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 आणि एक मग किती महिने लागते याला? अडीच महिन्यामध्ये चालू होतं का? 3 महिने चालूच आहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। बाजू में क्या क्या लगा है? आंबे, आम, आम और अच्छा आंबा, नारळ आणि चिक्कू। मग जाऊ शकतो साईडने बघायला? जागा आहे तिकडे जायला? ओके, ठीक आहे ठीक आहे। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कैरी लगी हुई है। अभी तो मौसम आया हुआ है आम का, बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे आम के। ये देखिए मेरे सामने एक प्रॉपर, यहाँ पे चिक्कू के भी झाड़ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिक्कू और पेरू, पेरू के भी झाड़ है यहाँ पे ना, चिक्कू आम। तो दोस्तों, अभी आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं अभी करेले के खेत में खड़ा हूँ। ये मेरे आजू बाजू में आप देख रहे हो, ये सारे करेले के खेत है, करेले के पेड़ है, प्लांट है। आप यहाँ पे देख सकते, एकदम छोटा सा करेला है देखिए। और यहाँ पे आप एक करेले की खुशबू आती है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो साइड में तो आपको ना यहाँ पे एक करेले की खुशबू आ जाएगी एकदम। हाँ, कि पहचान जाओगे आपकी, यहाँ पे आजू बाजू में करेले की खेती है
और ये भी करेले की खेती भी अच्छी है, आप कर सकते हो। करेले के तो बहुत सारे औषधि गुण भी रहते हैं, उससे अपने करेले के बहुत सारे फायदे भी होते हैं खाने से। दोस्तों ऑसम फीलिंग है यहाँ पे, अभी मैं करेले के बीच में ही निकल रहा हूँ। ये देखिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पे करेले के प्लांट्स के बीचों बीच से मैं जा रहा हूँ। ऑसम थिंग, ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ ऐसे करेले के प्लांट में। और यहाँ पे ये आप देख सकते चीकू और मैंगो के पेड़ साथ में लगे हुए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक करेला जो कि सूख के एकदम पीला पीला पड़ा हुआ है, ये देखिए। अरे इधर भी बहुत सारे, ये देखिए ये आप देख सकते करेला। इधर भी एक करेला है दोस्तों, आप इधर भी देख सकते हैं, देखिए। तो दोस्तों अभी जो हम ये जगह देख रहे हैं, ये जगह महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट के तालुका कड़े गांव में है। तो दोस्तों ये जो धनवड़े जी है, ये खेती के साथ साथ कुछ पशुपालन भी करते हैं, दूध के लिए गाय का भी पालन करते हैं। तो थोड़ा आइए जानते उनसे। ये कुटली गाय है वो? जर्सी गाय का ही? मैं कितने लीटर दूध देते है दिवसाला? अच्छा, दिवसाला एक गाय 15-20 लीटर दूध देते। आणि किती मल लीटर कसं जातं आपलं दूध? 36 पर्यंत। अच्छा अच्छा, चांगलं आहे ना। हा हा हा। तो दोस्तों अगर ये डेली लॉग का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।